हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी चैनल आज करेंगे चैप्टर 6 ऑफ अ कोर्स इन फोनेटिक्स एस्ट्री मैकेनिज्म एंड फोनिशन टाइप्स आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से और इन पीडीएफ्स की हेल्प से मैं आपको एप्रोक्सीमेटली मोर देन 120 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूं एंड दीस आर दी पीडीएफ जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं अगर प्लेलिस्ट और पीडीएफ का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी पीडीएफ के लिए यू कैन इंक्वायर एट दिस टेलीग्राम लिंक द सेम लिंक आई प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन टू ए स्ट्रीम डेफिनेशन समझिए डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको आ सकता है हमारे लंग्स में से जो एयर बाहर आती है उसी की पावर की वजह से सभी स्पीच साउंड्स क्रिएट होते हैं और जब वो लंग एयर पुश्ड आउट होती है पुश्ड आउट दैट इज कॉल्ड और एयर स्ट्रीम लोग नोट करिए जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्टली आ सकते हैं स्टॉप स्टार्ट यूज ओनली एग्रेसिव एग्रेसिव का मतलब है आउटवर्ड मूविंग पिल्मोनिक एयर स्ट्रीम आर कॉल्ड प्लोसिवस प्लॉसिव के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं Pilmonic के बारे में और क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ऑल एयर फ्लो आउट ऑफ दी लंग्स इज रेफर टू एज एग्रेसिव दंग्रेसिव एयर फ्लो बिकॉज एग्रेसिव टू गोइंग आउट तो ये दो डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए बहुत चांसेस हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इन डेफिनेशन से रिलेटेड एक टर्म और समझिए ग्लॉटलिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म ग्लॉटलिक ग्लॉटल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी और मेजर ग्लॉटल साउंड जो है दैट इज ह इन सम लैंग्वेजेस स्पीच साउंडूस्ड बाई मूविंग डिफरेंट बॉडीज ऑफ दू मेकोटलो द्लोटर हमारे ग्लॉटल में कुछ एयर रुक जाती है हमारे वोकल ट्रैक्ट में नहीं होती हो और एक अपवर्ड मोमेंट होती है एन अपवर्ड मोमेंट ऑफ द्लोज ग्लॉटर्स विल मूव दिसथ हमारे glottis में से निकलकर वोकल ट्रैक में आएगी और उसके बाद हमारे मुंह से बाहर आएगी। एयर टू बी सू दी माउथ अगर उसी एयर फ्लो की डाउनवर्ड मोवमेंट है तो दैट इन दी माउथ वेन ईडर ऑफ दीज एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म हमारे ग्लॉटिस से जब एयर स्ट्रीम बाहर जाता है या फिर स्टक हो जाता है उसके थ्रू जो भी साउंड प्रोड्यूस होते यहां पर हमारा ग्लॉटिस होता है द ग्लॉटिक है मोमेंट ऑफ ग्लॉटिस तो ग्लॉटिस के एक्शन की वजह से जो हवा आती और जाती है दैट इज कॉल्ड एक्शन ऑफ द अपवर्ड मोमेंट ऑफ द ग्लॉटिस

एक बार फिर से इम्प्लोजिव देख लीजिए वेन इट इज पॉसिबल टू यूज अ डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ द टू सक एयर इनवर्ड स्टॉप्स मेड विद एन इंग्रेसिव ग्लॉटिक मैकेनिज्म आर कॉल्ड एसटी ये आपको याद रखना है ये डेफिनेशन जो भी हम एट प्रेजेंट चैप्टर करें चैप्टर सिक्स इसमें से एक या दो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और हमारी बॉडी में जो एयर फ्लो होता है मोमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एयर इन द माउथ इज कॉल्ड वेलेरिक

मबर्ड uh, वॉइस क्या सिर्फ कॉन्सोनेंट में होती है क्या सिर्फ वॉवल्स में होती है किसी में भी नहीं होती है दोनों में होती है मे बी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाए आपको क्रीकी वॉइस इज अ वेरी लो पिस्ट साउंड दैट अकर्स एट द एंड ऑफ फॉलिंग इंटोनेशन फॉलिंग इंटोनेशन में ही होता है फॉर सम स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश क्रीकी वॉइस साउंड मे कम आउट ऑफ योर लरिंग्स एक और टर्म पढ़िए वी मे बी वीओटी की फुल फॉर्म आ जाए आपको एग्जाम में Voice onset time, जो इंटरवल होता है बिटवीन द रिलीज ऑफ़ अ क्लोज़र एंड स्टार्ट ऑफ़ वॉइसिंग, कॉल्ड दॉइस वॉइस ऑनसेट टाइम जब आपका आपकी जो स्पीच ऑर्गन्स होते हैं उनमें से जब क्लोजर रिलीज होता है और उसके बाद जब आवाज हानी शुरू होती है उनके बीच का टाइम इज कॉल्ड वी और वॉइस ऑन टाइम

जैसे ही हमारे वोकल ऑर्गन फोल्ड होने शुरू होते हैं उसके साथ ही साउंड रिलीज होता है बिल्कुल सेम पॉइंट पर देट विल बी कॉल्ड जीरो वोट पॉजिटिव वॉट वेर देर इज ए डीले इन दी ऑनसेट ऑफ द वोकल फोल्ड वाइब्रेशन आफ्टर दिलीज क्लोजिव रिलीज हो जाता है लेकिन वोकल फोल्ड बाद में होता है

वॉइस ऑन सेट टाइम वी ओ टी इज अ फीचर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वर्ट स्टॉप कॉन्सनेट्स प्रिकेटर्स वेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए आंसर करके ऑप्शन नंबर अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे वो लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर वन एंड योर प्रेफर्ड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू एंड योर प्रेफर्ड ऑप्शन आई चेक इन गेट बैक टू यू इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मुझे लिखकर दिखाइए कमेंट्स में आई चेक वेर राइट और रॉन्ग इसके अलावा आप पीडीएफ भी ले सकते हैं पीडीएफ डी वन ऑफ फाइव थर्टी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन क्वेश्चन एम फॉर्मेट में है ये पी डी एफ टू कंटेंट्स बायोग्राफी ऑफ ऑल ऑथर्स इसके साथ ही साथ हर टेक्स्ट का एक छोटा सा समेराइज व्यू uh, पॉइंट भी है पूरे टेक्स्ट में कब पब्लिश हुआ था ऑथर की बर्थ डेट एंड डेथ डेट एंड ऑल द मेजर वर्क्स ऑफ द ऑथर्स एंड जो हमारा मेजर टेक्स्ट है उसके बारे में भी डिटेल है कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम में काम आएंगे पीडीएफ थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर ये तीन पी हैं जो पूरा कोर्स एक बार कवर करने के बाद आपकी रिविजन में बहुत काम आएंगी I hope आप आप अच्छी चल रही हैं इन की help से। वीडियोस में हम लोग लोग कर चुके करेंगे सभी बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेपरेशन कर रहे हैं मैंने आप सभी को लगभग मोर देन 130 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं एंड द थ्री पी डी ऑल्सो आर गेटिंग वेरी पॉपुलर अगर आपने अभी भी नहीं लिए तो पी जरूर देखिए पी के थ्रू आपकी रिविजन हो जाएगी बहुत ही अच्छी लेकिन आपको पी और वीडियोस का कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ना होगा सभी वीडियोस बहुत अच्छे से देखें आपने सभी वीडियोस में से नोट्स टेक डाउन किए हैं तो वो पी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी ऐसा नहीं है कि अलग से बेनिफिशियल नहीं होंगी होंगी जरूर होंगी लेकिन फैक्ट्स को आप अच्छे से रिटेन और रिकॉल तब कर पाएंगे जब आपने पहले एक डिटेल स्टडी की है तो अपनी डिटेल स्टडी हमेशा करिए नॉट ओनली फॉर यू नो दिस एग्जाम लाइफ में कभी भी कोई भी और भी एग्जाम हो तो आपको डिटेल स्टडी ही करनी चाहिए उसके बाद के लिए आप शॉर्टकट मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सीधा शॉर्टकट विल नॉट वर्क बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कॉमेंट ग्रेट गुड लक फॉर योर exam